श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए ये तीन विशेष उपाय हैं जो कि सावन के महीने में किए जाने वाले उपाय हैं। इनमें से पहला उपाय है कि सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शरीर में रोग पड़ रहे हैं, गांठ हो रखी है, कष्ट है बहुत ज़्यादा शरीर में, तो सावन के महीने के किसी भी एक सोमवार को आपको गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाना है और थोड़ा सा गंगा जल नंदी भगवान को समर्पित करके इसके बाद जलाधारी में जो गणेश कार्तिकेय भगवान का स्थान है वहाँ पर आपको समर्पित करना है, फिर बीच में अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। गोल कटी भाग में उस जल को समर्पित करने के बाद जो ऊपर कमंडल लगा होता है, जलाधारी लगी होती है, जिससे बूंद बूंद पानी नीचे की ओर आता है, जया विसेरा सामरीवारी दोतली और देव, ये शंकर जी की पांच पुत्री है, उसमें जल समर्पित करना है। इसके बाद पूरा गंगा जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ समर्पित कर देना है। फिर जो जलाधारी से जल आ रहा होता है उसको वही गंगा जल को थोड़ा सा झेल कर आपको ले आना है और तीन दिन तक उस जल को पीना प्रारंभ कर देना है। सुबह के समय आप तीन दिन तक थोड़ा थोड़ा उसी जल का आचमन कीजिए और फिर जांच करवाने जाइए। यदि आपके शरीर में कहीं गांठ है तो आप जांच कराइए, बाबा निश्चित ही कृपा करेंगे। अगला उपाय, दूसरा उपाय है, वो भी सावन के मास में करने वाला ही उपाय है। पूरे सावन के महीने में एक नियम बना लीजिए कि आपको 108 वस्तु शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप 108 चावल के दाने ले सकते हैं, 108 मूंग के दाने ले सकते हैं, या 108 बेलपत्री लीजिए, 108 धतूरे लीजिए, कुछ भी सामग्री आप 108 ले लीजिए, या गुलाब के फूल की पत्ती आप ले लीजिए। रोज नियम बना लीजिए कि आपको दो लोटे जल चढ़ाना ही है और उसके बाद शिवलिंग पर 108 वस्तु समर्पित करना है अपनी मनोकामना करके। सावन के महीने में जो रोज शिवलिंग पर 108 वस्तु समर्पित करता है उसका पुण्य उसे हजारों गुना प्राप्त होता है। सावन के महीने का तीसरा उपाय है कि शरीर में यदि बहुत ज्यादा रोग हो गया है और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा है तो एक बेलपत्री लीजिए और अशोक सुंदरी की जगह पर आपको रख देना है और डंडी का मुख जो है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। अशोक सुंदरी के स्थान जलाधारी में जो बीच की मोटी लाइन होती है वहाँ पर आपको बेलपत्री रख देना है और डंडी का मुख जलाधारी की ओर रखना है जहाँ से पानी बहता है। कुंतकेश्वर महादेव के नाम से उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ की अंजनी में ले लीजिए और उस व्यक्ति को आचमन करा दीजिए जो रोगों से ग्रसित है, या फिर वही जल का हाथ आप उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर फिरा दीजिए, वो व्यक्ति जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।